नमस्कार दोस्तों, मैं फिरदौस एक डिजिटल बनो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी जो आरटी का एडमिशन जो शुरू होने जा रहा है आज की डेट में, यानी आज 9 फरवरी जो है 2023 तक, अभी तक जो है सिटीजन्स रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ है। अभी जो है स्कूल का, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्कूल का जो है रजिस्ट्रेशन की, स्कूल का वेरिफिकेशन की प्रोसेस शुरू है, और ये जब वेरिफिकेशन स्कूल का हो जाएगा उसके बाद में जो है सिटीजन्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहां से हम अपना रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हैं अपने बच्चे का एडमिशन के लिए। तो उसके पहले जो है हमें एज लिमिट क्या रहेगी, कैसा, मतलब यानी कितना एज लिमिट के ऊपर ये जो है एडमिशन मिलता है, इसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों देखो, ये लॉटरी सिस्टम है, यहाँ पर जो है किसी भी, मतलब यानी कोई गारंटी नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको एप्लीकेशन करना है लॉटरी में, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है एप्लीकेशन, तब आपको जो है उस स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में विदाउट डोनेशन आपका यहाँ पे दाखिला हो जाएगा। अब यहाँ पर जो दाखिला होएगा वो जो स्कूल है उसके फी तो आपको गवर्नमेंट ने जो तय की है उसके अनुरूप भरना है, डोनेशन नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका स्कूल का जो है आपका डिस्टेंस ज़्यादा है, स्कूल से आपके घर का डिस्टेंस ज़्यादा है, तब आपको जो है बस फैसिलिटी वगैरह जो है अगर वहाँ अवेलेबल है तो उसका चार्जेस जो है वो उनके अनुरूप, स्कूल के अनुरूप रहेगा। अगर बस फैसिलिटी नहीं रहती है तो फिर आपका जो है, आपको जो दूसरा कोई पर्याय रहेगा कम्युनिकेशन का, वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इस वक्त बहुत सारे ऐसे दलाल भी हो जाते हैं कि हम तुम्हारे बच्चे का एडमिशन इस कॉलेज में इतना डोनेशन लगता है लेकिन हम इतने इतने पैसे में करा देंगे, तो ऐसे दलालों से भी जरा सावध रहे। अभी अगर हम देखेंगे तो मैंने देखो यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर जो है ठाणा सिलेक्ट किया, आप आपके अनुरूप जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में बाय ब्लॉक, अगर हमें हमारा, मतलब मैंने अगर हम नगर पालिका एरिया में रहते हैं या कॉरपोरेशन एरिया में या तो फिर ग्रामीण में, तो उसके अनुरूप यहाँ पे आपको सिलेक्शन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे भिवंडी को सिलेक्शन किया हूँ, भिवंडी महानगर पालिका एरिया में, जितने भी आरटीई की दायरे में, यहाँ पे प्लस आरटीई का दायरा ये सिलेक्ट करके सर्च करेंगे तो ये भिवंडी महानगर पालिका के अंदर जितनी भी स्कूल है, आप आपके अनुरूप आपका जो भी, मतलब यानी कॉरपोरेशन रहेगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट आपका जो रहेगा वो सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका रूरल है या तो नगर पालिका का क्षेत्र है या महानगर पालिका का क्षेत्र है उसके अनुरूप आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे अगर अपन एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे भिवंडी का देखा है तो भिवंडी में इतने बहुत सारे स्कूल है। अब उसके स्कूल के अंदर जो है, अब सारे स्कूलों के अंदर, मतलब यानी केजी, अब यहां पर देखो ये ओम प्रकाश के अंदर फर्स्ट केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड पहली के लिए एडमिशन अवेलेबल है, आरटी के लिए 65 सीट्स है, और यहां पर जो है अभी वैकेंसी यहां पे आरटी है, यानी पिछले साल के जो, मतलब यानी केजी के बच्चे होंगे वो, मतलब यानी उनको एडमिशन मिलने के बाद में सिर्फ 8 का ही यहाँ पे वैकेंसी दिखा रहा है, यानी यहाँ पे 8 ही बच्चे का, मतलब यानी इस जो ओम प्रकाश में वो एडमिशन होगा। उसी के तरह से इसमें, मतलब यानी केजी जूनियर केजी भी केजी भी है तो उसका भी एडमिशन होगा। तो इस तरह से आपको हर स्कूल में, बहुत सारी स्कूल में जो है जूनियर केजी का वैकेंसी नहीं रहता है, सिर्फ फर्स्ट का रहता है, वो भी आपको देख लेना है आपके बच्चे का उम्र, और उस जगह अगर केजी नहीं रहेगा तो फिर उधर आपका जो है एप्लीकेशन नहीं होगा। अभी यहाँ पे दूसरा एक स्कूल ले लेते हैं, नव भारत के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे पहली के लिए भी, मतलब अवेलेबल है, वैकेंसी 28 है और जूनियर केजी में 73 का है, तो इतनी सीट्स के ऊपर, मतलब यहाँ पे होगा। अब इसके अंदर जो एज लिमिट है, पहली के लिए एज लिमिट है मिनिमम 6 साल और मैक्सिमम 7 साल, के जूनियर केजी के लिए 4 साल मिनिमम और मैक्सिमम 5 साल। तो अभी एज का कैलकुलेटर हम कैसे करना है वो आगे देखेंगे। तो इस तरह से जो है ये नव भारत के अंदर वैकेंसी है। अभी यहाँ पे नैज स्कूल के अंदर अगर देखेंगे तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पर जो है 15 वैकेंसी है, और फर्स्ट स्टैंडर्ड का एज लिमिट हमने देखा सभी का, मतलब है ना यही रहेगा, पहली के लिए 6 साल मिनिमम, मैक्सिमम 7 साल, जूनियर केजी के लिए 4 साल और मैक्सिमम 5 साल। अभी यहाँ पे श्री हलारी के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे केजी का नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड का है, और यहाँ पे वैकेंसी 18 है।
अब इसके बाद में वैकेंसी डिटेल्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कोई स्कूल में जो है आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी मतलब वैकेंसी मिलेगी, कोई में जूनियर केजी के लिए भी मिलेगी, और कोई कोई में तो सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड का ही मिलेगा। मैक्सिमम जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड की स्कूलें ज़्यादा रहती है। अभी ये मुकम्मल मतलब वेबसाइट के ऊपर 2023 का जो है उसका मतलब मैंने दिया नहीं है, लेकिन ये पिछले साल का जो है वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर हम ये देखेंगे तो प्ले ग्रुप नर्सरी इसका जो है एज लिमिट और ये कौन से मतलब डेट को ये एज होना चाहिए, तो ये पिछले साल का है, तो ये पिछले साल से मैंने ये इस साल का जो है ये चार्ट तैयार किया हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नर्सरी प्ले ग्रुप एज लिमिट यानी बच्चे का जन्म 1 जुलाई 2019 से लेके 31 दिसंबर 2020 के दरमियान है, यानी 4 साल 5 महीने 30 दिन का अगर बच्चा है मैक्सिमम, तो ये मतलब यानी उसके लिए एलिजिबल है। केजी के लिए 1 जुलाई 2018 से लेके 31 दिसंबर 2019, और ये एज लिमिट जो है ये 31 दिसंबर 2023 इस डेडलाइन के ऊपर ये क्या एज कैलकुलेट होगा, यानी अभी उसका एज कितना है या आप फॉर्म भरते टाइम में उसका एज कितना है वो नहीं मैटर करता है, ये जो एज डिसाइड होता है उसका जो टाइमलाइन है उसका जो बेस है वो मतलब यानी 31 दिसंबर 2023 है। तो 31 दिसंबर 2023 के अंदर आपका जो मैक्सिमम बच्चे का एज लिमिट है नर्सरी प्ले ग्रुप में 4 साल 5 महीने 30 दिन, यानी ये एज लिमिट यहाँ पे नर्सरी के लिए बच्चा जो है 1 जुलाई 2019 से लेके 31 दिसंबर 2020 के दरमियान का उसका बर्थ चाहिए। जूनियर केजी है तो 1 जुलाई 2018 से लेके 31 दिसंबर 2019 होना चाहिए। सीनियर केजी 1 जुलाई 2017 से लेके 31 दिसंबर 2018, और उसी के साथ में अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड का है तो उसका 1 जुलाई 2000 से लेके 31 दिसंबर 2017 तक। तो दोस्तों ये जो है एज लिमिट का ये मतलब मैंने पिछले साल के बनिस्बत बनाया हूँ, उसमें कोई चेंजेस जनरली नहीं होता है, सिर्फ जो इस साल का जो है वो अभी शेड्यूल आना बाकी है, तो नियर अबाउट ये इसी तरह रहेगा। फिर भी जब मतलब वेबसाइट के ऊपर नया अपडेट आ जाएगा तब उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर पहले देख ले आपका बच्चा मतलब आपको दो चीज़ें देखना है, जो आपके नज़दीकी स्कूल है जहाँ पे आप मतलब चाहते हो आपके बच्चे का एडमिशन, वहाँ पर अगर केजी का है तो केजी अवेलेबल है, या फर्स्ट के अंदर चाहते हो तो फर्स्ट के लिए अवेलेबल है या नहीं, तो ये आपको देखना है। दूसरी बात, यहाँ पे जितनी भी स्कूलें हैं आप अगर गौर करोगे तो इसके अंदर जो माइनॉरिटी की जो स्कूलें हैं उसको इसमें एक इससे बाहर रखा गया है। अभी जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी की अगर स्कूलें हैं तो वो मतलब जिन्होंने मतलब रजिस्ट्रेशन माइनॉरिटी के तहत किया है तो उनको बाहर रखा गया है। अभी जैसे क्रिश्चियन माइनॉरिटी है उनकी स्कूलें अगर माइनॉरिटी के बेस पे रजिस्ट्रेशन किया रहेगा तो उसके वो स्कूलें इसके आरटी के दायरे में नहीं आती है, उसके वो ये उनका एडमिशन आरटी के तहत नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी इदारे हैं जो मतलब माइनॉरिटी के इदारे लेकिन उन्होंने अपने जो अपना जो दायरा है उसमें माइनॉरिटी का नहीं रखा है, तो ऐसी भी स्कूलें मतलब इसमें आती है। मैंने इन शॉर्ट जो माइनॉरिटी की जो स्कूलें हैं जिनका रजिस्ट्रेशन माइनॉरिटी है वो जो है इस दायरे में नहीं आते, तो उसके लिए कौन कौन सी स्कूल अवेलेबल है, तो उसके लिए जो है हमें आरटी की वेबसाइट के ऊपर अगर जाना है, वहाँ पे आप स्कूल का जो सिलेक्शन करेंगे तो ये आपको सारे स्कूल के जितनी भी डिटेल्स है ये आपको यहाँ पे दिख जाएगी कौन कौन से स्कूल ये आरटी के दायरे में। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप मतलब बच्चे का एज अभी से देख ले, नहीं तो बहुत सारे जो हमारे दर्शक है वो डिपेंड्स रहते हैं कि आरटी का जब चालू होगा हम तब बच्चे का एडमिशन कराएंगे, तो आप देख ले कि आपके स्कूल के वो स्कूल में वैकेंसी है या नहीं, ये उसी के साथ में एज लिमिट भी आपका देखना जरूरी है। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकेंगे, धन्यवाद, जय हिंद।